क्या आप फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं? तो फिर सोचना कैसा अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एमट्रिक्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स पर तशरीफ लाइए। यहाँ का सक्सेस रेशियो 99% है। यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप में हमारे क्लाइंट्स स्टडीज के साथ साथ वर्क भी कर रहे हैं। आवर सर्विसेज फ्री प्रोफाइल एवेल्युएशन, पॉट लिस्टिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग, वीजा मॉक एंड गाइडेंस, फ्री काउंसलिंग एंड एडमिशंस एंड अकोमोडेशन असिस्टेंस। हमारा पता मातृश्री अपार्टमेंट अपोजिट जोडियो बशीरबाग रोड हैदराबाद। मोबाइल 9581987। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख अहमद अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मलकाजगिरी पुलिस ने 19 साला समीर नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इसके कब्जे से 1200 ग्राम गांजा दस्तियाब हुआ। एक इत्तला मिली पुलिस को। इत्तला मिलते ही पुलिस ने श्री कृष्णा साई कॉलोनी बालाजी फंक्शन हॉल के पास जाकर इसको गिरफ्तार कर लिया। ये वहाँ पर गांजे को बेच रहा था। नाज़रीन, पुलिस के मुताबिक औरंगाबाद से ये गांजा हैदराबाद लाकर यहाँ पर बेच रहा था। ऐसी कई टोलियाँ, कई गैंगा बने हुए हैं जो इस तरह से गांजे का कारोबार कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस की नजर नहीं जाती, और अगर जाती भी है, कोई इत्तला भी मिलती है, तो पुलिस कई जगहों पर मामूल लेकर खामोशी भी इख्तियार कर रही है। लेकिन हमारे ग्रेटर हैदराबाद में लगातार इस तरह का गांजे का कारोबार उरुज पर है। बहरहाल, इसको अदालती तवज्जो दे दिया गया है, और मलकाजगिरी पुलिस इंस्पेक्टर ने मीडिया से बात करते हुए सारे तफसीलात बताई। मैं शेखर मतली, क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद। మల్కాజ్గిరి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో శ్రీకృష్ణ సాయి నగర్ కాలనీలో నివాసం ఉంటున్న సమీర్ వాంగ్బేర్ అనేటువంటి వ్యక్తి మరొక మైనర్ బాలునితో కలిసి ఔరంగాబాద్ వెళ్ళి అక్కడి నుంచి తక్కువ ధరకు గాంజాయి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడనే సమాచారం మేరకు మేము పోలీసులకు వెళ్ళి ఈరోజు తనిఖీ చేయగా బాలాజీ ఫంక్షన్ హాల్ పక్కనటువంటి ఖాళీ ప్రదేశంలో అతను మరియు మైనర్ బాలుడు గాంజాయి అమ్ముతూ పట్టుబడడం జరిగింది. వారి వద్ద నుంచి 1200 గ్రాముల గాంజాయిని మరియు ఒక సెల్ ఫోన్ని స్వాధీనం చేసుకొని ఈరోజు జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ పంపించడం జరుగుతుంది.